सिडनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने की भारत की जमकर प्रशंसा, कहा मोदी सरकार के नेतृत्व में भारतीय लोकतंत्र की अच्छी सेहत। सुशील कुमार मोदी की भविष्यवाणी, बिहार जेडीयू में मचने वाली है भगदड़, तेजस्वी यादव संभालेंगे गद्दी। एमपी और आंध्र प्रदेश में बारिश ने बिगाड़ी शहरों की सूरत, रतलाम और श्रीकाकुलम में लोग बेहाल, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। गुलाम नबी आजाद के बयान पर हमलावर हुई कांग्रेस, कहा यह भाजपा के वफादार सिपाही बन चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ आपका पूरा विरोधी अभियान, आज से कूड़े का पहाड़ देखने जाएंगे आपके नेता। आज इलाहाबाद एचसी में माफिया ब्रजेश सिंह की पेशी, 36 साल पुरानी सामूहिक नरसंहार का है मामला। रायबरेली दौरे पर पहुंचे योगी सरकार की 3 मंत्रियों का समूह, कहा विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं। हमीरपुर में दोहरे हत्याकांड में 28 साल बाद आया फैसला, 17 आरोपियों को एक साथ सुनाई गई उम्र कैद। विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में केसीआर ने दिया नीतीश कुमार को झटका, बिहार में तेज हुई सियासत। एशिया कप जीतने के बाद अपने देश पहुंची श्रीलंकाई टीम का हुआ जोरदार स्वागत, चैंपियन की झलक पाने के लिए रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।